नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का कमेंट आया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC के, और यदि AB का स्क्वायर बराबर हो 2AC का स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाते हैं। तो फिगर देखिए, कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर, लगभग बराबर के हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, AB और C। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी दो भुजा जो है इसको और इसको जो है बराबर मान लेते हैं। ठीक है, कि ये भुजा जो है AC बराबर है BC के। ठीक है, ये भुजा बराबर है, ये समझ लीजिए दिया है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल में लिखेंगे कि चूँकि ABC क्या है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें जिसमें दिया हुआ है क्या, कि जिसमें दिया है क्या कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर है BC के। ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है, यह चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए, चूँकि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह जो है क्या है, यह जो है हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह कोण जो है हम लोगों को तो पता नहीं है, ठीक है, कि कितने का है। ठीक है, लेकिन कितने का है ये तो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, किंतु यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए चूँकि यहाँ दिया हुआ है क्या कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यह दिया हुआ है, यह भी जो है क्या है दिया है, हम लोगों को गिवन है, यानी कि दिया है। ठीक है, तो इसी से अगर हम लोग करें इसी के अनुसार, तो अब देखिए अगर इसको जो है थोड़ा और आगे ले चलते हैं, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC का, मतलब क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2AC के स्क्वायर को। ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए AB का स्क्वायर और थोड़ा सा आगे चले, तो AB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, क्योंकि AC का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो AC स्क्वायर के जगह पे हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखा भी सकते हैं हम लोग, देखिए चूँकि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, तो ये देखिए क्या हो रहा है, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर का मतलब कर्ण का वर्ग, बराबर क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, और यह जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कब होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो है विलोम अगर हम लोग चले तो जो है यह जो है हो जाता है, यानी कि कर्ण का वर्ग अगर किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो इससे सिद्ध होता है क्या कि जो है यह जो है त्रिभुज क्या है,
समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसी से सिद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम से भाई पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब के वर्ग और धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। और हम लोग का जो ये त्रिभुज है इसमें आ रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसको बिना मना जो है बिना जो है वो जो है किए हुए जो है आ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक आ रहा है ये कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो इससे यह ऑटोमेटिक आ रहा है, इसका मतलब यही सिद्ध कर रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, यह जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के तथा बी डी लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर है 2 सी डी इंटू ए डी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है इसके फिगर को समझते हैं, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी डी, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी जो है दो भुजाएं बराबर हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो इस त्रिभुज के मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। त्रिभुज का नाम दे देते हैं, तो इसको जो है बी ए और सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है एक लंब खींच देते हैं इस पे, ए सी पे, कौन सी, बी डी, बी डी जो है लंब खींच देते हैं, ठीक है, ए सी भुजा पे, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे जो है हल में लिखेंगे, ये जो है आप लोगों को तो फिगर समझ में आ ही रहा है कि ए बी सी, ए बी सी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें जो है ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। तो यानी कि ये भुजा बराबर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले वो लिखते हैं जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। तथा क्या ए बी डी लंब है ए सी पर, बी डी लंब किस पे है, ए सी पे, ठीक है, बी डी ए सी पे लंब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखिए बी डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर बराबर है 2 सी डी इंटू ए डी के, यही सिद्ध करना है, ठीक है, 2 सी डी इंटू ए डी के, यानी कि बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर है 2 सी डी इंटू ए डी, 2 सी डी इंटू ए डी के बराबर है, इसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये तो लिख दिए हम लोग क्या सिद्ध करना है। अब हम लोग जो है भाई अपने उत्तर का कारण देंगे, सिद्ध करेंगे, यानी कि उपपत्ति लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में हम लोग तर्क देंगे कि कैसे सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में,
ए डी बी में ए बी का स्क्वायर बराबर है, भाई यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, लंब है, तो ठीक है। तो ए डी बी में अगर हम लोग देखें तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग। भाई यहाँ पे देखिए ए बी का वर्ग, भाई ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण होगा, तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि बी डी का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं किसका, बी डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिख दिया, और जो है इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का वर्ग। अब देखिए ए बी का वर्ग, भाई हम लोग को बी डी बराबर चाहिए, तो बी डी तो ए डी को इधर ला देते हैं, तो ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग चाहिए, ठीक है ना, बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, बी डी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी डी स्क्वायर बराबर हमने निकाल दिया इतना इस समीकरण से, और इसको समीकरण नंबर एक मान लिया हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है बी डी स्क्वायर चाहिए, तो बी डी स्क्वायर हमको चाहिए, तो हमने जो समीकरण नंबर एक से बी डी स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। अब जो है हम समीकरण नंबर दो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के, कहा गया है ना, यहाँ पे देखिए दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दिया है ना, तो दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए डी अधन डी सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर है ए सी के, आ ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर लिख सकते हैं ए डी और प्लस में डी सी लिख सकते हैं ना, ए डी धन डी सी, यहाँ पे ए डी धन डी सी, भाई इतना अधन इतना जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर नहीं हो जाएगा, तो वही जो है ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी धन डी सी लिख सकते हैं ना, तो ए डी धन डी सी। अब देखिए चूँकि हम लोग को वर्ग करना है, अब वर्ग में क्या आना चाहिए, तो हम लोग को सी डी का स्क्वायर आना चाहिए, सी डी का स्क्वायर हम लोग को सी डी का स्क्वायर चाहिए, डी सी का स्क्वायर चाहे सी डी का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सी डी का स्क्वायर चाहिए ना हम लोग को, तो सी डी का स्क्वायर यहाँ से आ सकता है, और क्या किया जाए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, तो गुणा के रूप में भी आ जाएगा दोनों पक्षों का, तो ठीक है। तो देख लीजिए अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो ए सी का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो इसका भी वर्ग करेंगे यानी कि ए डी अधन में डी सी का भी वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वर्ग कर दिया, तो ए सी का वर्ग तो ए सी ही रहेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए डी का वर्ग अधन में डी सी का वर्ग अधन में जो है क्या हो जाएगा, टू ए डी इंटू डी सी, टू ए डी इंटू डी सी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन टू ए सी ए भी होता है ना, तो इसी से ठीक है इसको भी कर सकते हैं हम लोग, भाई ए धन बी का मान लीजिए है ये बी है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी होता है ना, तो इसी सूत्र से इसका जो है विस्तार कर देंगे, ठीक है, तो विस्तार कर दिया। अब जो है अब यहाँ पे देखिए अब विस्तार कर दिया, तो विस्तार करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो है ए बी का अब हम लोग को जो है ए बी यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो ए सी अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग को ए बी चाहिए, ठीक है ना, तो ए बी चाहिए, तो देखिए ए बी बराबर है ए सी के, तो ए सी के जगह पे हम लोग जो है बी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, या करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर आ प्लस में डी सी का स्क्वायर आ प्लस में टू ए डी इंटू डी सी चाहिए ना, डी है डी, ठीक है, ए डी इंटू डी सी, ठीक है।
हम लोग को चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी में देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर धन डी सी का स्क्वायर धन टू ए डी इंटू डी सी, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए हमने ए सी के ए सी स्क्वायर बराबर हमने ए बी स्क्वायर मैंने लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बराबर है ए बी के, तो चूंकि हमको ए बी यहाँ पे चाहिए, ठीक है, समीकरण को सिद्ध करने के लिए ए बी चाहिए, तो ए सी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया इतना। ठीक है, अब इसी को या करके हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और प्लस में टू ए डी इंटू डी सी लिख सकते हैं भाई, इसको हमने इधर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इतना बराबर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं समीकरण नंबर एक से बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और प्लस में टू ए डी इंटू डी सी, और यहाँ से लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, समीकरण एक से हमने यह जो है चीज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम या करके लिख सकते हैं क्या, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस में डी सी का स्क्वायर बराबर टू ए डी इंटू डी सी लिख सकते हैं ना, टू ए डी इंटू डी सी, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर बराबर हो गया टू ए डी इंटू डी सी। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी का बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी, मैंने डी सी को जो है सी डी नहीं लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर बराबर टू टू सी डी, टू सी डी सी डी मैंने डी सी को सी डी लिख सकते हैं ना, टू सी डी इंटू ए डी, ए डी तो है ही है। ठीक है, टू ए डी मैंने जैसे यहाँ पे है वैसे भी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सिद्ध करना है हम लोगों को कि बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर टू सी डी इंटू ए डी, तो हमने जो है इसको सीधा करके लिख दिया इसी समीकरण से। ठीक है, तो इसको हमने सीधा करके या करके लिख दिया कि बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, मैंने सी डी मैंने डी सी यहाँ पे लिखा है तो इसको सी डी लिख सकते हैं ना, तो सी डी का स्क्वायर बराबर टू ए डी, तो ए डी जो है बाद में दिया है वहाँ पे सिद्ध करने में, तो हमने जो है डी सी, तो डी सी को सी डी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी सी या सी डी कहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सी डी टू इंटू सी डी इंटू ए डी, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि मनोहरे के सभी मैथों को पढ़ना है, सभी सवालों को पढ़ना है तो। ठीक है, और जो भी सवाल आपको नहीं आता है हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना कोई सुझाव है तो हमें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।